L&T फाइनेंस से पर्सनल लोन क्लोज करने के लिए हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक होता है रेड्यूसिंग EMI मेथड ऑप्शन और दूसरा होता है फ्लैट EMI मेथड ऑप्शन। अगर हम इस मेथड से EMI पेड करेंगे तो यहाँ पे हमें कम इंटरेस्ट रेट से कम अमाउंट हमें इंटरेस्ट के तौर पे भरनी पड़ेगी और जो हमारा हर महीने EMI जाएगा उस अमाउंट को भी अगर हम इनमें से एक मेथड को चुनेंगे तो वहाँ पे हमारी जो हर महीने की EMI अमाउंट है वो भी हमें कम भरनी पड़ेगी, जिससे हमें कम से कम इंटरेस्ट अमाउंट भर के उस लोन को हम आसानी से क्लोज कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं मालूम कि उनको क्या करना है, कैसे इस मेथड को यूज़ करना है, कैसे हम हमारा यहाँ पे इस मेथड को यूज़ करके हमारा जो इंस्टॉलमेंट है, हमारी EMI अमाउंट है और हमारा इंटरेस्ट रेट है उसे हमें कैसे कम करना है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं L&T फाइनेंस पर्सनल लोन के लोन अमाउंट के बारे में। अगर हम इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन से यहाँ पे EMI पेड करते हैं तो उससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, क्या फ़ायदा मिलता है, इन मेथड का यूज़ करके हम कैसे हमारी यहाँ पे रीपेमेंट की जो अमाउंट है वो कम कर सकते हैं। और यहाँ पे वीडियो के लास्ट एंड में मैं आपको एक चीज़ ऐसी बताऊंगा, अगर आपको कोई भी L&T फाइनेंस सर्विसेज के तरफ से अगर आपको कॉल आती है और आपको कस्टमर केयर से ये चीज़ें नहीं बताते हैं तो आपको उनको क्या कहना है, आपको कैसे उनको कन्वेंस करना है कि मुझे इसी मेथड से यहाँ पे मेरा जो लोन अमाउंट है उसका कम्प्लीटली रीपेमेंट करना है। तो बिल्कुल भी वीडियो कहीं भी स्किप ना करें, कम्प्लीटली वीडियो देखें। अगर आपके पास भी L&T फाइनेंस का प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन का ऑफर आ गया है, आप भी चाहते थे कि आपको भी L&T फाइनेंस का यहाँ पे लोन लेना चाहिए, अगर आपको ये L&T फाइनेंस से पर्सनल लोन मिलता है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखने के बाद आपको बहुत सारा यहाँ पे बेनिफिट और आपको यहाँ पे कम से कम नुकसान हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप देख रहे हैं TNS टेक्निकल चैनल। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, जिससे हमारे जो भी वीडियो अपलोड होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पे मिल जाएगा। बहुत सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो ऐसा मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे L&T फाइनेंस से जुड़े बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड बहुत सारे वीडियो यहाँ पे अपलोड होते रहते हैं, जिसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो। लोन लेते वक्त हम कुछ चीज़ें ऐसी भूल जाते हैं जो कि हमारे बहुत ही फायदेमंद होती है, हमारे लिए बहुत ही यहाँ पे बेनिफिट रखे जाती है, लेकिन हड़बड़ी में हम कभी कभार हमें अर्जेंट पैसों की ज़रूरत होती है, इमरजेंसी हमें किसी भी कंडीशन में पैसों की ज़रूरत होती है, हम उस वक्त कभी भी कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते। अगर हमें मालूम भी हो तो उन चीज़ों के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं होता। तो अगर आपके पास भी L&T फाइनेंस का अगर प्री अप्रूव पर्सनल लोन का ऑफर आ जाए तो आपको यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन है जिससे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम लगेगा और यहाँ पे आपकी जो हर महीने की EMI अमाउंट जाएगी वो भी दिन ब दिन, और यहाँ पे आपका जितना टेनोर है, जब तक आपका रीपेमेंट करने के लिए जितना वक्त मिला है तब तक आपकी वो अमाउंट कम कम होती जाएगी। जैसे कि मैंने आपको वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही बताया था, हमें L&T फाइनेंस में दो ऑप्शन मिलते हैं अगर हम L&T फाइनेंस का यहाँ पे पर्सनल लोन लेते हैं तो। बाकी के NBFC या कोई भी बैंक आपको पर्सनल लोन के लिए ये दो ऑप्शन यहाँ पे नहीं रखता, वहाँ पे आपको सिर्फ एक ही मेथड से लोन लिया जाता है, आपको एक ही मेथड से वहाँ पे EMI भरना पड़ता है, वो होता है फ्लैट EMI मेथड। यहाँ पे L&T फाइनेंस में हमें दो ऑप्शन से रीपेमेंट करने का यहाँ पे बेनिफिट मिल जाता है, यहाँ पे दो मेथड हमें मिल जाते हैं पर्सनल लोन भरने के, रीपेमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पहले मेथड की। यहाँ पे पहला मेथड है हमारा फ्लैट EMI मेथड। आपने जिस दिन भी लोन ले लिया, आपका लोन आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया, आपको पैसे मिल गए, उस दिन के बाद आपको जो पहला EMI आएगा और जितने तक का आपका टेनोर है, मान लीजिए कि आपने जो अमाउंट ली है उसका पहला EMI आपको मिल जाएगा और उसका जो टेनोर है वो 3 साल का है, आपने पहले EMI यहाँ पे 5,000 रुपए उसका इंस्टॉलमेंट उसकी EMI भर दी,
आपने फ्लैट में ये लोन ले लिया है फ्लैट इंटरेस्ट रेट से, फ्लैट ईएमआई मेथड से, तो आपको जो पहला ईएमआई स्टार्ट जिस अमाउंट से होगा वही सेम अमाउंट आप लास्ट का भी ईएमआई उतने अमाउंट का ही भरोगे। यानी कि यहाँ पे आपको सेम ही अमाउंट स्टार्ट टू एंड आपका कंप्लीटली लोन उसका रीपेमेंट क्लोज होने तक आपको स्टार्ट टू एंड वही सेम अमाउंट का आपको ईएमआई भरना पड़ेगा। ना ही इसमें आपका इंटरेस्ट रेट कम होगा, ना ही आपकी ईएमआई अमाउंट यहाँ पे कम होगी। यानी कि ये टोटली आपको फ्लैट मोड में ही आपको ये रीपेमेंट कंप्लीट करना है, उस लोन को क्लियर करना है। यहाँ आपको कोई भी बेनिफिट या कोई भी यहाँ पे आपके लोन के ऊपर आपको फायदा नहीं मिलता, इसलिए ये थोड़े से हम इसको फ्लैट मोड को साइड पे रखते हैं, इस फ्लैट मेथड को हम साइड पे रख लेते हैं। और जो दूसरा हमारा जो मेथड है वो है रिड्यूसिंग ईएमआई मेथड। आपने जब भी लोन ले लिया आपके बैंक अकाउंट में लोन अमाउंट ट्रांसफर हो गई, पहला जो ईएमआई आपका आएगा मान लीजिए कि वो 5,000 रुपए का है, इसका भी टेनोर हम 3 साल का पकड़ लेते हैं, आपका जो पहला ईएमआई है वो 5,000 का है। और यहाँ पे आप जैसे जैसे आपका 1 साल कंप्लीट होने के बाद आपकी प्रिंसिपल अमाउंट आपके लोन अमाउंट में से कम हो जाएगी, उसमें आपका कुछ इंटरेस्ट रेट भी जाएगा, जो इंटरेस्ट अमाउंट होगी वो इंटरेस्ट अमाउंट भी यहाँ पे हो जाएगी। तो जैसे जैसे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हर साल कम होती जाएगी, आपको जो अमाउंट आपकी प्रिंसिपल अमाउंट बची है वो लोन की, जैसे जैसे आपकी लोन अमाउंट कम होती जाएगी वैसे वैसे आपको उस पे लगने वाला इंटरेस्ट भी कम होता जाएगा। यानी कि आपने यहाँ पे 2,00,000 रुपए अगर रिड्यूसिंग ईएमआई मेथड से ले लिए हैं, आपने पहले साल ही यहाँ पे आपकी जो प्रिंसिपल अमाउंट है मान लीजिए कि वो प्रिंसिपल अमाउंट 60,000 रुपए आपने कम कर दी है ईएमआई भरते भरते, और उसमें जो आपको इंटरेस्ट लगा है वो भी आपने पहले साल में पेड कर दिया है, तो दूसरे साल में आपको जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम होगी, उस पे जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो भी कम हो जाएगा। जैसे जैसे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट हर साल कम होती जाएगी वैसे वैसे उस पे आपका रिड्यूसिंग ईएमआई मेथड से आपको इंटरेस्ट भी कम लगता जाएगा, और यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो कम होते जाएगा। यानी कि आप अगर रिड्यूसिंग ईएमआई मेथड से एलएनटी फाइनेंस का पर्सनल लोन ले लेते हो तो आपको यहाँ पे जैसे जैसे आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कम कम होती जाएगी घटती जाएगी वैसे वैसे यहाँ पे आपका ईएमआई भी कम होते जाएगा और उस पे लगने वाला इंटरेस्ट अमाउंट भी आपका कम होते जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर आप फ्लैट में आप लेते हो तो आपको फ्लैट में सेम ईएमआई आपको स्टार्ट टू एंड भरना पड़ेगा, और आप रिड्यूसिंग ईएमआई मेथड से लेते हो तो यहाँ पे आप फर्स्ट ईएमआई अगर 5,000 रुपए पे भरते हो तो आपको जो लास्ट ईएमआई होगा वो आपका 2,000 से 3,000 रुपए के बीच में ही हो सकता है, ये हर एक के अमाउंट पे डिपेंड है। मैंने सिर्फ ये अमाउंट आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ही यहाँ पे बताई थी। तो चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको क्या करना है। अगर आपको एलएनटी फाइनेंस से प्री अप्रूवल पर्सनल लोन का ऑफर आता है, आपको कोई भी कस्टमर केयर से आपको ये चीजें नहीं बताएगा कि हमारे यहाँ से आपको ऑप्शनल 2 चीजें मिल जाती है, आपको फ्लैट ईएमआई से भी आप इसका रीपेमेंट कर सकते हो, आप रिड्यूसिंग ईएमआई मेथड से भी इसका रीपेमेंट कर सकते हो। तो आपको जब भी एलएनटी फाइनेंस से प्री अप्रूवल पर्सनल लोन का ऑफर आता है तो आप उनसे बात करिए कि मुझे ये लोन चाहिए लेकिन मैं इस लोन को रिड्यूसिंग ईएमआई मेथड से ही रीपेमेंट करना चाहता हूँ, ना कि मुझे यहाँ पे फ्लैट ईएमआई मेथड से इसका रीपेमेंट करना है। आप ऐसा सिर्फ कस्टमर केयर से बात करते वक्त आप उनसे कहोगे तो आपको 100% यहाँ पे आपकी जो ये ट्रिक है वो कामयाब हो जाएगी और आपका जो लोन है वो भी यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। सिर्फ आपको उनसे बात करनी है कि मुझे फ्लैट ईएमआई मेथड से ये लोन नहीं क्लोज करना है, मुझे यहाँ पे रिड्यूसिंग ईएमआई मेथड से यहाँ पे क्लोज करना है। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा, आपको यहाँ पे अगर आप फ्लैट ईएमआई मेथड से लेते हो तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट रेट में यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट रेट कम लग सकता है, और यहाँ पे आपको अगर आप रिड्यूसिंग में लेते हो तो थोड़ा सा 0.5% या 1% से थोड़ा हाई लग सकता है, लेकिन कोई बात नहीं है। अगर आप यहाँ पे इन दोनों में से एक चूज करना चाहते हो तो आप यहाँ पे फ्लैट ईएमआई मेथड को ना चुन के आप यहाँ पे रिड्यूसिंग ईएमआई मेथड को चुन सकते हो, जिससे आपको यहाँ पे कम से कम इंटरेस्ट अमाउंट देनी पड़ेगी, आपका इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा और आपको यहाँ पे हर
ये ईएमआई के बाद आपकी ईएमआई अमाउंट भी कम होती जाएगी।